शहर के एक आवेदन सरकार ने आज हलफ उठा लिया। तकरीबन रबेदारी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में नई हुकूमत तहनसब के नए मयारात कायम करेगी जिनसे लोगों का मियारी ज़िंदगी बेहतर होगा। डॉक्टर ने कहा कि नवाज शरीफ को मुल्क वापस पहुँचने के लिए बरतानिया के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और बरतानिया कोरोना वायरस की वैक्सीन की दवा के इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बन गया है। खबरें तफसील के साथ गिलगित बल्तिस्तान की नई काबिना सरकार ने आज हलफ उठा लिया। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबूल ने आज गिलगित में तकरीब के दौरान काबिना अरकान से हलफ लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। इससे कबल काबिना अरकान के नामों का ऐलान भी किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने पर देश बुनियादों पर काम करेगी ताकि खत्ते की आवाम के एहसास मेहनत को खत्म किया जाए। आज गिलगित से गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब में तलब करता है।